आईटीआई विजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एस्क्राइबर के बारे में। तो सबसे पहले एस्क्राइबर का इंट्रोडक्शन जान लें, परिचय जान लें कि एस्क्राइबर एक मेटल पर प्रयोग किया जाने वाला एक मार्किंग टूल्स है। जब भी कभी कोई जॉब बनाया जाता है तो सबसे पहले मेजरिंग किया जाता है, यानी कि मापा जाता है। मापने के तुरंत बाद एस्क्राइबिंग यानी कि एस्क्राइबर के द्वारा मेटल पर निशान लगाया जाता है, लाइन खींचा जाता है, जिस प्रकार की आकृति हमें बनाना है, जिस प्रकार का जॉब बनाना है, जॉब के अनुसार मार्किंग करते हैं। तो इस प्रकार अब फिगर देखते हैं कि एस्क्राइबर का जो लेंथ है ये देखते हैं। तो एस्क्राइबर का जो हम लेंथ देखते हैं कि एस्क्राइबर का लेंथ 125 से 200 एम एम 125 से 200 एम एम लेंथ हमारा क्या हो जाता है कि एस्क्राइबर का जो लेंथ है यहाँ से लेकर पॉइंट तक, कहने का मतलब हेड से लेकर पॉइंट तक हमारा क्या है कि 125 mm से यानी कि 125 से 200 mm तक इसके लंबाई होता है। दूसरा इसका हम थिकनेस जान लें कि इसका मोटाई क्या होता है, इसके बारे में जान लें। तो थिकनेस हमारा क्या है कि यहाँ देख रहे हैं कि 3 to 5 mm ये हमारा क्या है कि मोटाई है, और सब का मोटाई समान है, लेंथ समान है। कहने का मतलब हमारा क्या है कि स्ट्रेट एस्क्राइबर का, बेंट एस्क्राइबर का या एडजस्टेबल एस्क्राइबर का लंबाई सेम है, 125 to 200। कहने का मतलब है 125 से 200 mm तक। उसके बाद थिकनेस हम देख लिए 3 to 5 mm ये क्या है, मोटाई है एस्क्राइबर का। उसके बाद हम इसका पॉइंट का एंगल हम पता करते हैं। तो एंगल हमारा क्या है 12 to 15 एस्क्राइबर एंगल है 12 degree to 15 degree यानी कि 12 डिग्री से 15 डिग्री इसका क्या होता है एस्क्राइबर का टिप यानी कि पॉइंट एंगल होता है। तो इस प्रकार एस्क्राइबर एंगल इसे कहेंगे कि 12 डिग्री से 15 डिग्री एस्क्राइबर एंगल है। उसके बाद हम मटेरियल की बात करें मटेरियल जो है हमारा ये एस्क्राइबर किस मटेरियल से बना होता है इसके बारे में जानें। तो मटेरियल हाई कार्बन स्टील से बना होता है। हाई कार्बन स्टील से बना होता है ये एस्क्राइबर। अब हम देखते हैं कि इसका वर्क हम जान गए हैं कि एस्क्राइबर मेटल पर क्या करते हैं, मार्किंग करने के लिए इस टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके टाइप के बारे में जान जाएं कि टाइप कितने प्रकार का होता है इसके बारे में। तो नंबर वन में देखते हैं कि स्ट्रेट एस्क्राइबर है। स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा। स्ट्रेट का मतलब क्या है, सीधा, यानी कि सीधा एस्क्राइबर है ये। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ क्या है कि सीधा आता है, और ये क्या है पॉइंट है हमारा, पॉइंट एंगल हम बता रहे हैं कि 12 to 15 है। दूसरा हम देखते हैं कि वेंट एस्क्राइबर है। वेंट एस्क्राइबर का मतलब, वेंट मतलब मुड़ा हुआ। तो ये देख रहे हैं कि इधर हमारा क्या है कि पॉइंट हमारा स्ट्रेट ही है, लेकिन दूसरे तरफ भी पॉइंट है जो मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम इसका एंगल देखते हैं
कि ये 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। यहाँ भी अगर बेंट है हुआ है तो इस प्रकार हमारा एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें भी 90 डिग्री एंगल होगा क्योंकि ये बेंट हुआ है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि जहाँ भी एक पॉइंट तो हमारा है स्क्वायर का जो स्ट्रेट होता है और दूसरा बेंट होता है वो 90 डिग्री एंगल पर होता है। इस कारण से दोनों का अलग अलग फंक्शन है। ये तो क्या है कि सीधा जो प्लेट होता है, प्लेट या कोई भी मेटल का सीट हो, उस पर मार्किंग करने के लिए ट्राई स्क्वायर का भी प्रयोग करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्क्राइबर की सहायता से हम क्या करते हैं कि मार्किंग करते हैं। तो ये क्या है कि जब हमारा कोई सीट है उस पर हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट पॉइंट से हम करते हैं, लेकिन बेंट पॉइंट जो है वो 90 डिग्री पर जो मुड़ा हुआ है, इससे हम क्या करते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल जॉब है उसमें हम मार्किंग इसी के द्वारा करते हैं। जैसे अगर ये हमारा क्या है सिलेंडर है, ये हमारा क्या है सिलेंडर है, और इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरनल थ्रेड करने का मतलब अंदर से हम क्या करते हैं कि मार्किंग करना चाहते हैं। तो अगर हम कल्पना करते हैं कि 10 mm पर हम डिस्टेंस पर अंदर में मार्किंग करेंगे, तो माना कि ये हमारा क्या है स्थिति बनता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अंदर से घुमाकर हम क्या करते हैं चारों तरफ राउंड करके हम क्या करते हैं मार्किंग कर सकते हैं। तो ये क्या है सिलेंड्रिकल जो जॉब है उसका इंटरनल मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ भी हाँ बेंट स्क्राइबर की तरह बेंट किया हुआ है, यानी कि स्ट्रेट तो है ही साथ साथ उसमें बेंट अगर स्क्राइबर लगा हुआ है या पॉइंट बना हुआ है, ऐसे स्थिति में क्या होगा कि इंटरनल मार्किंग करने के लिए किया जाता है सिलेंड्रिकल पार्ट में या हॉलो सरफेस पे। कहने का मतलब है कि जिसमें हाँ लंबा गहराई जा रहा है, सुराग है, हाँ वैसे स्थिति में मार्किंग करना क्या है बेंट स्क्राइबर से होता है, यानी कि बेंट वाले भाग से होगा जो 90 डिग्री पर मुड़ा होता है। तो ये देख लिए कि पहला क्या है कि स्ट्रेट स्क्राइबर ये सीधा है, बेंट स्क्राइबर एक पॉइंट हमारा सीधा और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है कि इंटरनल मार्किंग करने के लिए मुड़ा हुआ है 90 डिग्री पर, तो बेंट स्क्राइबर है। उसके बाद हम आते हैं एडजस्टेबल स्क्राइबर। तो एडजस्टेबल स्क्राइबर में हम देखते हैं कि क्या है कि बीच वाला भाग क्या होता है कि थ्रेड पे ये क्या होता है कि एडजस्ट करने के लिए लंबाई चौड़ाई घटाने के लिए आवश्यकता अनुसार ज़रूरत के हिसाब से हम क्या करते हैं कि इसको हम कम कर सकते हैं, डिस्टेंस को छोटा कर सकते हैं और इसे हम बड़ा कर सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा क्या है एडजस्टेबल स्क्राइबर है, एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट का मतलब होता है आगे पीछे सरका कर एडजस्ट करना, यानी कि लंबाई घटा सकते हैं और लंबाई बढ़ा भी सकते हैं। उसके बाद हमारा 4 नंबर में देखते हैं कि पॉकेट स्क्राइबर है। तो ये इससे मिलता जुलता है, स्ट्रेट स्क्राइबर से मिलता जुलता स्क्राइबर है। सिर्फ अगर अंतर है तो दोनों में क्या है कि ये इसमें क्लिप लगा हुआ रहता है, जो हम जिस तरह पेन में हम देखते हैं कि पेन लगाते हैं तो पॉकेट में रखने के लिए हम क्लिप पेन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार ये पेन की तरह है, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं कि इसे पेन को हम पॉकेट में रखते हैं और ये क्लिप के द्वारा हम क्या करते हैं कि कपड़े में फंसा कर रखते हैं। इस प्रकार हम इसे पॉकेट स्क्राइबर कहते हैं, जबकि सारा का काम क्या है मार्किंग करना ही है। सिर्फ क्या है कि स्ट्रेट का जो है समतल जो प्लेट है या समतल जो सीट है, हाँ उस पर क्या होता है कि स्ट्रेट पॉइंट के द्वारा क्लिक करते हैं और जो सिलेंड्रिकल पार्ट होता है उसके अंदर अंदरूनी अगर हम क्या करते हैं कि हाँ मार्क लेना होता है, तो उस पर हम क्या करते हैं बेंट स्क्राइबर के द्वारा या बेंट वाले भाग से हम क्या करते हैं मार्किंग करते हैं। अब वह क्या कि ऑर्डिनरी स्क्राइबर में होता क्या है कि ये वायर की तरह, कहने का मतलब कि थोड़ा सा मोटा, यानी जिसका थिकनेस क्या है 3 mm से 5 mm तक होता है, उसे हम क्या करते हैं बैंड करते हैं कि जिस तरह कपड़ा को निचोड़ा जाता है उसी तरह हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि ट्विस्ट करते हैं। कहने का मतलब कि ट्विस्ट
होने के बाद क्या होता है, मुड़ मुड़ जाता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। ऐसे को हम क्या कहते हैं कि ऑर्डिनरी स्क्राइबर कहते हैं। लेकिन फंक्शन सारे का कहने का मतलब है कि स्टेट स्क्राइबर का वही काम वर्क है, वेंट स्क्राइबर का वही वर्क है, उसको एडजस्टेबल स्क्राइबर का वही वर्क है, पॉकेट स्क्राइबर का वही वर्क है, यानी कि सेम वर्क है। सिर्फ क्या है, बेंट पॉइंट से हम क्या कहते हैं कि सिर्फ हाँ इंटरनल मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है, और सिलेंड्रिकल जॉब के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, जॉब में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बाकी जो स्ट्रेट पॉइंट है, कहने का मतलब है जो सीधा बिल्कुल है, और हाँ उसका जो फंक्शन है वो सेम है, किसी भी मेटल पर मार्किंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं 5 नंबर में। ये 5 नंबर है और ये 6 नंबर है। 6 नंबर में क्या है कि ऑफसेट स्क्राइबर है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, और ये क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीधा, जहां हम किसी पार्ट पे एडजस्ट करके हम क्या करते हैं, मार्किंग करना चाहते हैं, वैसे स्थिति में क्या करते हैं कि ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑफसेट स्क्राइबर का यूज जो है वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर वर्नियर हाइट वर्नियर हाइट गेज का हेल्प लेकर इससे हम क्या करते हैं, मार्किंग का काम करते हैं, यानी कि उसमें एडजस्ट करते हैं। उसके बाद हाँ इसके द्वारा हम क्या करते हैं, ऑफसेट स्क्राइबर के द्वारा एग्जैक्ट मार्किंग करते हैं वर्नियर हाइट गेज का हेल्प लेकर, यानी कि उसमें टाइट किया जाता है, टाइट करने के बाद हाँ किसी भी मेटल का मार्किंग किया लिया जाता है या मार्क लगाया जाता है। अब क्या है कि इसको हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट स्क्राइबर जितने भी हैं, तो स्ट्रेट जो पॉइंट है उधर, उससे हम क्या करते हैं कि किसी भी मेटल, सपोज ये मेटल है हमारा, मेटल पर हम क्या करते हैं कि ट्राई स्क्वायर लगाते हैं जो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, और हम क्या करते हैं यहाँ से हम क्या करते हैं कि स्क्राइबर की मदद से हम क्या करते हैं, इस तरह क्या करते हैं, मार्किंग कर लेते हैं। तो इस तरह क्या है, प्लेन सरफेस यानी कि पतले सीटों पर या मोटे सीटों पर जो क्या है, बिल्कुल सीधा है, प्लेन सरफेस की तरह है, वैसे में हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट टिप या पॉइंट के द्वारा हम क्या करते हैं कि स्क्राइबिंग करते हैं, यानी कि मार्क लगाने का या लाइन खींचने का काम करते हैं। तो इस प्रकार हम ये समझ गए हैं कि स्क्राइबर एक मार्किंग टूल्स है जिसका प्रयोग मेटल पर मार्क लगाने के लिए किया जाता है, और वो भी मार्क क्या है कि स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हम करते हैं क्या है कि ये दोनों पॉइंट से अगर मान लिया जाए कि सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल जॉब है, उसमें हम क्या करते हैं बेल्ट वाले पार्ट से हम कर लेते हैं मार्किंग, और दूसरा हम क्या करते हैं कि प्लेन अगर सरफेस होता है तो हम क्या करते हैं कि स्ट्रेट पॉइंट के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। एक बार फिर स्क्राइबर के सारांश के बारे में बता दें कि स्क्राइबर की संरचना क्या है और स्क्राइबर का वर्क क्या है इसके बारे में, तो पता चलता है कि स्क्राइबर एक मार्किंग टूल्स है जो किसी भी मेटल पर लाइन खींचने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है। साथ ही साथ इसके पॉइंट यानी कि पूरे पार्ट को क्या किया जाता है, हार्ड टेम्परिंग किया जाता है कि ताकि उसका पॉइंट यानी कि उसका नुकीला वाला भाग जो है वो टूट ना जाए मार्किंग करते समय, इसलिए इसको हार्ड टेम्परिंग किया जाता है। दूसरा बात यह है कि स्क्राइबर निम्न प्रकार के हैं, तो सबसे पहले हम क्या किए कि स्ट्रेट स्क्राइबर है, दूसरा वेंट स्क्राइबर है, तीसरा एडजस्टेबल स्क्राइबर है, पॉकेट स्क्राइबर है,
स्क्वाट और डली स्क्राइबल है। तो दोनों में फर्क क्या है कि इसमें क्या है, एक ही किनारा है जिधर क्या है पॉइंट है, लेकिन दूसरे नंबर पे आते हैं बेंड स्क्राइबल में तो क्या है कि एक तरफ क्या है स्टेट पॉइंट है तो दूसरे तरफ क्या है बेंड पॉइंट है जो 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ होता है, और इसका वर्क इससे डिफर होता है। इससे अंतर अंतर यही है कि ये प्लेन सरफेस जैसे सीटों पर स्ट्रेट पॉइंट के द्वारा हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं, लाइन खींचने का काम करते हैं, लेकिन वेंट स्क्राइबर क्या है कि सिलेंड्रिकल जॉब में इंटरनल मार्किंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये एडजस्ट करके बड़ा या छोटा स्क्राइबर होता है, इसमें वेंट है, वेंट पॉइंट है, उसके बाद स्ट्रेट पॉइंट है। इसे लंबा आवश्यकता अनुसार लंबा किया जा सकता है और छोटा किया जा सकता है। ये पॉकेट स्क्राइबर है जो स्ट्रेट स्क्राइबर से मिलता जुलता स्क्राइबर है, सिर्फ इसमें क्लिप लगा हुआ है। जिस प्रकार हम पेन को पॉकेट में रखकर क्लिप के द्वारा हम फंसा लेते हैं रखते हैं, उसी प्रकार ये क्या है कि क्लिप लगा हुआ स्क्राइबर है, इसलिए इसे पॉकेट स्क्राइबर नाम दिया गया है। उसके बाद 5 नंबर में देखते हैं कि डरी स्क्राइबर है, ये 3 से 5 mm के बीच का क्या है थिकनेस का एक वायर की तरह है, जिसे हम क्या करते हैं कि जिस तरह कपड़ा को निचोड़ा जाता है उसी तरह क्या है ट्विस्ट करके बनाया जाता है। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, इधर क्या है कि स्ट्रेट पॉइंट है, दूसरे तरफ क्या है वेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला क्या है कि ऑफसेट स्क्राइबर है, तो ऑफसेट स्क्राइबर वर्नियर कैलिपर में एडजस्ट करने वर्नियर हाइट गेज में उसे एडजस्ट किया जाता है, उसके बाद इससे मार्किंग किया जाता है किसी भी मेटल पर। तो इस प्रकार हम जान गए कि लेंथ हमारा क्या है, स्क्राइबर का लेंथ 125 mm से 200 mm तक, इसका थिकनेस यानी कि मोटाई जो है स्क्राइबर का मोटाई 3 mm से 5 mm तक। उसके बाद एंगल्स हम दिखा रहे हैं कि एंगल हमारा क्या है 12 mm से 15 mm तक। उसके बाद जो ये मेटल है ये हाई कार्बन स्टील से बना हुआ है, और हाई कार्बन स्टील से बना होने के बावजूद भी पॉइंट को क्या किया जाता है यानी कि हार्ड टेम्परिंग किया जाता है कि ताकि उसका पॉइंट मुड़े नहीं टूटे नहीं। इस प्रकार आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।